हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। अजीत सिंह फ्रॉम कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल विल टीच यू कंप्यूटर ऑफ ग्रेड 7। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट वन वीडियो फॉर द चैप्टर 7, इंट्रोडक्शन टू HTML 5। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम HTML प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे कि HTML की हिस्ट्री के बारे में, HTML कैसे काम करता है। जैसा कि हम आपको बता दें, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हैज़ बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ का एक वाइटल पार्ट है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन बेस एंड हैज़ अ रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड इकोनमी एज वेल एज द सोसाइटी। इसने रिवॉल्यूशन ला के रख दिया है पूरी सोसाइटी में और इकोनॉमी में। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशंस एंड रिसोर्सेज। इंटरनेट मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर आइदर सर्वर्स और क्लाइंट्स। कम्युनिकेट बाय नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, सर्वर और क्लाइंट जो है वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के थ्रू काम करते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को एंड सर्वर रिस्पोंड करता है इमीडिएटली विद द रिक्वायर्ड डेटा के साथ में। सो नो द फैक्ट स्टूडेंट्स, द इंटरनेट बिगिन इन द मिड 1960s एज द प्रोजेक्ट United States Department of Defense Advanced Research Project Agency, जिसे DARPA भी बोलते हैं या ARPA बोलते हैं। The servers stores files and information, files और जो है information store करता है in the form of website में server। So these websites consist of millions of pages called web pages, और ये वेबसाइट्स मिलियन ऑफ पेजेस होते हैं इनमें, जिसे हम वेब पेजेस बोलते हैं, विच कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोस, लिंक टू द अदर पेजेस कॉल्ड द हाइपरलिंक, दूसरे पेजेस की लिंक्स जो है हाइपरलिंक्स। सो दीज वेब पेजेस कैन बी एक्सेस्ड बाय डिफरेंट यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जो है वेब पेजेस को यूज़ करते हैं लोग, वेबसाइट और वेब पेजेस को। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड, आपको पता है ये वेब पेजेस कैसे बनते हैं और किस लैंग्वेज में इन्हें लिखा जाता है? चलिए जानते हैं। ये लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है HTML इज द मोस्टली वाइड यूज लैंग्वेज टू डिजाइन वेब पेज, वेब कंटेंट्स फॉर द इंटरनेट, वेब कंटेंट्स तैयार करने के लिए। सो इन दिस चैप्टर यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द बेसिक्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो द फैक्ट, एन इंट्रानेट इज़ अ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क दैट यूजेज द सेम प्रोटोकॉल्स used on the internet, जो इंटरनेट पर यूज होते हैं प्रोटोकॉल्स टू फाइल्स, शेयर फाइल्स एंड सेंड ईमेल्स, वही प्रोटोकॉल्स इंटरनेट यूज़ करता है। बट डिफरेंट ये है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट द इंटरनेट इज़ अ कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड। ये इंटरनेट की तरह वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता है, ये प्राइवेट होता है। सो वॉट इज़ HTML? HTML stand for Hypertext Markup Language. It is a complete code that allow you the users to create web pages that contains both text and graphics. Isme टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों होते हैं। इट इज़ अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज, ये एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर और बिहेवियर को जो वेब पेजेस, वेब डॉक्यूमेंट्स का होता है।
So all the web browsers are designed to understand and interpret this language. सारे web browser इस language को समझते हैं. So let us analyze the acronyms HTML. Hypertext. Hypertext क्या होता है students? Hypertext is a piece of ordinary text. ये ordinary text का एक part होता है that has been spruced up with the special feature of linking to other document. एक दूसरे documents जो connect होते हैं या web pages connect होते हैं उनसे. So when you click on the hypertext, जो blue color का link होता है उस पर जब आप click करेंगे it open the web page. उस पर क्लिक करने से जैसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो ब्लू कलर्स के लिंक मिलेंगे, वो हाइपर टेक्स्ट होते हैं. सो इट इज़ अ लैंग्वेज दैट यूज मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज यूजेज सिंबल्स कॉल्ड द टेक्स और टू मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट. जो ब्राउजर को बताती है कि टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है. सो मार्कअप लैंग्वेज आर सोलिली कंसर्न्ड with the classifying the part of document according to their functions, like indicating which part of the is the title of the document. So which part is heading or subheading and so on. Originally HTML was developed with the intent of defining the structure of document to facilitate the sharing of scientific information between researchers. Now it is being widely used to format web pages with the help of different texts